वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई रेसिपी लाई हूँ जो है अरबी बरबटी आलू की सब्जी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे चावल के साथ ज़रूर परोसिएगा, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो बरबटी और अरबी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा चम्मच तेल डाला है, ये रिफाइंड ऑयल है। अब इसमें मैं 2 तेज पत्ता डाल रही हूँ, कुछ मेथी के दाने। मेथी को हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। हमारी मेथी देखिए हल्का सा फ्राई हो गया। अब इसमें अरबी डालूंगी। अरबी के साथ मैंने एक मीडियम साइज का आलू भी डाला है। आलू और अरबी को हम पहले फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा आलू और अरबी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हींग डालूंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हींग डालूंगी। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी, एक मीडियम साइज का टमाटर है, इसको थोड़ा छोटा काट लेंगे, उसको हम डाल दूंगे। और आधा चम्मच अदरक है, मैंने अदरक का पेस्ट डाला। आप अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। साथ में यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, इन सबको मैं फ्राई करूँगी। स्वाद अनुसार नमक है ये। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हमारे मसाले सभी फ्राई हो गए। अब मैं इसमें बरबटी डालूँगी। आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और ये चावल के साथ ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, आप जरूर घर में ट्राई जरूर कीजिएगा। अब हमने बरबटी डाल दी है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हमारे मसाले भी अच्छी तरह फ्राई हो गए, अब बरबटी भी। अब इसमें मैं 1 गिलास के बराबर पानी डाल दूँगी। ये अच्छी तरह सब्जी है, इसमें पानी डाल के इसे हम धीमी आंच में ढककर रख देंगे। हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये सब्जी बनने में 10 से 15 मिनट लगा और देखिए पूरा पानी भी इसका लेवल कम होगा। ये सब्जी भी अच्छी तरह बॉईल हो गई है। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इसको मैं सर्व करूंगी और सर्व करते वक्त ऊपर से आप थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।